तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया था कि जब हम रोटरी इंजन की बैलेंसिंग, प्राइमरी बैलेंसिंग और सेकेंडरी बैलेंसिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो रोटरी इंजन जितने भी हैं, रोटरी इंजन हो या वी इंजन हो या ऐसे इंजन जो कि सेम प्लेन है, प्लेन में है, उनके लिए कपल पॉलीगन हमेशा बैलेंस्ड होता है। हमें सिर्फ प्राइमरी मतलब फोर्स पॉलीगन की बात हम करते हैं, फोर्स बैलेंसिंग हम करते हैं, ठीक है। फोर्स बैलेंसिंग करने के बाद हमने देखा था कैसे डायरेक्ट क्रैंक हम बनाते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सिंगल डायरेक्ट क्रैंक मैकेनिज्म के लिए, डायरेक्ट क्रैंक और रिवर्स क्रैंक हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजों को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब अगला जो उसके बाद हमने देखा था कि कैसे थ्री क्रैंक का जो सिस्टम है, जो कि 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से है, उनमें हम प्राइमरी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये हमने देख लिया था कि प्राइमरी कौन बैलेंस है, कितना अनबैलेंस है, और जो अनबैलेंस फोर्सेज जो होंगी वो कितनी है, वो हमने देख लिया था, ठीक है। वो हमने देख लिया था, प्राइमरी डायरेक्ट और प्राइमरी रिवर्स हमने निकाल लिया था, पीछे है भी। अब हमारा जो अगला टर्म है, अगला क्या निकलना है हमें, आगे क्या करना है हमें, प्राइमरी हमने डायरेक्ट और प्राइमरी रिवर्स तो निकाल लिया था, अब हमें निकालना है सेकेंडरी डायरेक्ट और सेकेंडरी रिवर्स। तो मैंने एक चीज, जब हम प्राइमरी फोर्सेज और सेकेंडरी फोर्सेज की बात कर रहे थे शुरू में ही, तो मैंने सिंगल स्ट्रैडेड मैकेनिज्म के थ्रू मैंने बताया था कि अगर थीटा एंगल पे प्राइमरी है तो हमारा सेकेंडरी जो है वो 2 थीटा एंगल पे होगा, ठीक है। अगर थीटा एंगल पे हमारा प्राइमरी है तो हमारा सेकेंडरी क्या होगा, 2 थीटा एंगल पे होगा, ठीक है। तो एक चीज देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी डायरेक्ट और सेकेंडरी रिवर्स की बात करते हैं, तो हमें उसे डार्क करना है। यहाँ से हमने प्राइमरी में देख लिया था कि जो हमारा प्राइमरी डायरेक्ट है वो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस फोर्स कितना है, 3/2 mR² स्क्वायर, लेकिन जो सेकेंडरी बैलेंस है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है। तीन तीनों इंजन एक दूसरे के 120 डिग्री पे हैं, ठीक है। जो भी फोर्सेज लग रही हैं उनकी वजह से, अनबैलेंस फोर्सेज जो भी लग रही है, तो एक दूसरे को सारे बैलेंस कर देंगे, लेकिन प्राइमरी डायरेक्ट फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है, और तीनों एड अप करके 3/2 mR² स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें आगे देखना क्या है, अब हमें सेकेंडरी डायरेक्ट और सेकेंडरी रिवर्स के बारे में देखना है, ठीक है। सेकेंडरी डायरेक्ट में इसी पे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें भी दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक तुम्हारा सेकेंडरी डायरेक्ट के लिए, एक तुम्हारा सेकेंडरी रिवर्स के लिए। हमें ये पता है कि हमारा जो थीटा एंगल है, जो प्राइमरी में हमारा एंगल जो था, मान लो ये क्रैंक है, ठीक है, ये मेन क्रैंक है, ठीक है। इसकी एक्सिस सिलेंडर वन की जो एक्सिस है मेन क्रैंक से 0 डिग्री पे है, तो उसका 2 थीटा क्या हो जाएगा सेकेंडरी के लिए, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है, उसी के अलोंग होता है, ठीक है। 0 डायरेक्ट इसका किधर हो जाएगा, डायरेक्ट उसका इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, वन, ठीक है, वन। और डायरेक्ट 0 डिग्री, और प्राइमरी किधर, रिवर्स किधर होगा, सिंस 0 डिग्री है मेन क्रैंक से, उसकी एक्सिस 0 डिग्री पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जाएंगे तब भी वो 0 डिग्री होगा, तो इसका भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। अब हमें देखना है दूसरे क्रैंक पे, दूसरा क्रैंक यहाँ पे 2, इसकी एक्सिस मेन क्रैंक से कितने एंगल पीछे है, ठीक है। पीछे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखते हैं, अगर सेकंड क्रैंक है, तो ये कितना एंगल है, ये है 1 240 डिग्री, 240 डिग्री है, तो हमारा जो डायरेक्ट सेकेंडरी क्रैंक कितना हो जाएगा, तो ये 120 240 240 डिग्री है, डायरेक्ट क्रैंक सेकेंडरी क्रैंक कितना हो जाएगा तुम्हारा, 480 डिग्री, ठीक। अभी क्या करो, यहां से 480 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, और यहां से 480 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, 480 डिग्री। अब देखो ये कितना है, 360। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे सेकेंडरी डायरेक्ट ले, तो ये देखो 360, 360 में 120 ऐड करेंगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 होगा, ठीक ठीक यहाँ पे तुम्हारा 2 होगा, ये तुम्हारा सेकेंडरी डायरेक्ट है क्लॉकवाइज गए। अब यहां से ही 480 डिग्री तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज जाना है सेकेंडरी रिवर्स के लिए, तो ये देखो 360 + 120, ये इधर ऊपर की ओर होगा, तो इसी डायरेक्शन पे
हमारा सेकंड व्यू होगा। ठीक उसी तरह हम सिलेंडर थर्ड की बात करते हैं, तो सिलेंडर थर्ड का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेन क्रैंक से कितनी एंगल है, 120 डिग्री। तो सेकेंडरी के लिए हमें पता है, इसको डबल कर देंगे 240 डिग्री। अब इस क्रैंक को, यहां से क्रैंक को 240 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, तो 240 डिग्री क्या हो जाएगा, ये इतना 120 है, तो इसका सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी डायरेक्ट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक, ये 3, ठीक है। और यहां से जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, 120 डिग्री 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो किधर जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, 120 ये 120 ये, इसका भी 120 ये। यहां से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा सेकेंडरी डायरेक्ट है, ये तुम्हारा सेकेंडरी रिवर्स है, तो यहाँ पे देखोगे कि जो तुम्हारा सेकेंडरी रिवर्स है ये अनबैलेंस्ड है, इसमें 3/2 एम आर ओमेगा स्क्वायर नेट अनबैलेंस फोर्स निकल रहा है। ठीक, लेकिन जब हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट देखोगे ये पूरी की तरह इक्विलिब्रियम सिस्टम बन रहा है, ठीक है, जो फोर्सेस इधर ऊपर की ओर लग रहे हैं ये दोनों मिलके इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देखोगे तो 2 और 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जब इनका कंपोनेंट निकालोगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी डायरेक्ट पूरी तरीके से बैलेंस है, ये फुली बैलेंस्ड, ठीक है, ये फुली बैलेंस्ड है, और ये तुम्हारा इनकम्प्लीटली बैलेंस्ड है। इसी तरीके से जब हम प्राइमरी भी देखे थे तो प्राइमरी में हमारा जो प्राइमरी डायरेक्ट था वो पूरी तरीके से बैलेंस था, लेकिन सेकेंडरी बैलेंस प्राइमरी रिवर्स जो था वो हमारा अनबैलेंस था, ठीक है। ये समझ में आया कि कैसे कैसे हम प्राइमरी डायरेक्ट और प्राइमरी रिवर्स और सेकेंडरी डायरेक्ट और सेकेंडरी रिवर्स निकालते हैं। हम अगला देखेंगे दो सिलेंडर जो कि 90 डिग्री अपार्ट है, ये हमारा दो सिलेंडर है, ठीक है, दो सिलेंडर है जो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ठीक है, सिलेंडर वन सिलेंडर टू, ये एंगल, ये तुम्हारा मेन क्रैंक है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, इसके लिए हमें एफ प्राइमरी निकालना है और एफ सेकेंडरी, ये दोनों इसके लिए निकाल, ठीक है, दोनों इसके लिए निकालना है। ये तुम्हारा सिलेंडर की, सिलेंडर टू की एक्सिस ये है, सिलेंडर वन की एक्सिस ये है, ये तुम्हारा मेन क्रैंक है, ठीक है, मेन क्रैंक है, ठीक है। तो इसकी बताओ क्या होगा, कैसे निकलेगा, ये जो इंजन है इसको हम कहते हैं 90 डिग्री वी इंजन, ठीक है, दोनों क्रैंक, दोनों सिलेंडर जो है एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, तो हम इसे कहते हैं 90 डिग्री बी इंजन, बी टाइप इंजन, बी टाइप बी शेप बनता है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, प्राइमरी डायरेक्ट और प्राइमरी रिवर्स निकालते हैं, ठीक है, सेम वही तरीका। सबसे पहले दो सर्कल बना लो, प्राइमरी के लिए हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करेंगे, दो सर्कल बनाओ, प्राइमरी डायरेक्ट, प्राइमरी रिवर्स, ठीक। अब तुम्हें ये देखना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले सिलेंडर को यूज करो, ये तुम्हारा क्रैंक मेन क्रैंक है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सिस है। अब ये देखो तुम्हारा ये कितनी डिग्री पे है, मेन जिसकी जो एक्सिस है कितनी डिग्री है मेन क्रैंक से, 90 माइनस थीटा डिग्री, 90 माइनस थीटा डिग्री। तो हम प्राइमरी डायरेक्ट और प्राइमरी रिवर्स कैसे बनाते हैं,
हम उस एक्सिस से, सिलेंडर की एक्सिस से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो प्राइमरी डायरेक्ट मिल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो प्राइमरी रिवर्स मिल जाएगा। और कितने एंगल जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा मेन क्रैंक से एक्सिस कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे देखो कि मेन क्रैंक से एक्सिस जो है वो 90 माइनस थीटा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा प्राइमरी डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमारा सेंटर है तो ये मान लो ये ठीक, ये 90 माइनस थीटा ठीक, ये तुम्हारा वन वन यहाँ मिल जाएगा ठीक है, वन यहाँ मिल जाएगा। और प्राइमरी रिवर्स इसका किधर जाएगा, 90 माइनस थीटा इस डायरेक्शन में, ये कुछ ऐसे जाएगा 90 माइनस थीटा इस डायरेक्शन में। हमारा 90 माइनस थीटा ठीक है, ये पहले एंगल का हो गया, पहले सिलेंडर का हो गया। अब हमें दूसरा सिलेंडर पकड़ना है, दूसरा सिलेंडर ये है। अब ये देखो ये सिलेंडर का एक्सिस तुम्हारा मेन क्रैंक से कितने एंगल पे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल निकालना होगा ठीक है। ये टोटल 360 यहां तक होगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा ठीक है, 360 माइनस थीटा एंगल है ये पूरा 360 माइनस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 360 माइनस थीटा एंगल आगे की ओर घुमाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्राइमरी डायरेक्ट के लिए। तो जब हम 360 माइनस थीटा के एंगल यहाँ में हैं कि ये देखो कि मेन करेंगे अलोंग ही ये भी आ जाएगा, तो वन प्राइमरी डायरेक्ट और प्राइमरी का इसका प्राइमरी डायरेक्ट दोनों सेम सेम पोजिशन पे होंगे। अब इसको क्या करो, हमें प्राइमरी रिवर्स चाहिए, इसको 360 डिग्री की माइनस पीछे की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो। तो यहाँ से देखो जब इसको रोटेट करेंगे, यहाँ 360 है ठीक है, यहाँ तक 360, तो यहाँ पे कुछ होगा 360 माइनस थीटा, ये थीटा सेम मान लेते हैं, तो 360 माइनस थीटा यहाँ पे होगा ठीक, ये एंगल थीटा। तो ये समझ में आया कि कैसे बना प्राइमरी डायरेक्ट इसका प्राइमरी रिवर्स ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी डायरेक्ट और सेकेंडरी रिवर्स की बात करते हैं। सेकेंडरी डायरेक्ट सेकेंडरी रिवर्स ठीक, सेम वही काम करता है ठीक है। हमें बस अब फिर हमें पहले वाले को देखना है ठीक है। अब देखो मेन क्रैंक से इसका एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा का 2 टाइम्स ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा। अब यहां से तुम्हें 180 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और यहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी 180 माइनस 2 थीटा जाना है सिलेंडर वन के लिए। जब यहां से 180 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, ये देखो ये कहीं 180 ये है, 2 थीटा मान लो करीब ये इतना हो जाएगा ठीक। तो हमारा जो पहला आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम इसको एंगल के फॉर्म में देखें, ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा ठीक। अब हम इसका प्राइमरी डायरेक्ट मिल गया, अब हमें प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी डायरेक्ट मिल गया, अब हमें सेकेंडरी रिवर्स निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे यहां से ऐसे, यहाँ 180 आएगा, 180 माइनस 2 थीटा ये कुछ ऐसे आएगा ठीक है। ठीक यहाँ वन ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा ये है ठीक है। अब हमें दूसरे वाले को लेना है, दूसरे से लेना है, ये इसका दोनों को बन गया प्राइमरी डायरेक्ट सेकेंडरी डायरेक्ट और सेकेंडरी रिवर्स मिल गया ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो प्राइमरी सेकेंडरी डायरेक्ट मिला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सेकेंडरी रिवर्स मिलता है। अब हमें इसका निकालना है सेकेंड सिलेंडर का। अब सेकेंड सिलेंडर का मेन क्रैंक एंगल कितना है, 360 माइनस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स इक्वल टू 720 माइनस 2 थीटा ठीक, 720 माइनस 2 थीटा। तो यहां से इस डायरेक्शन में 720 डिग्री तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे रिवर्स के लिए। तो यहाँ से 720 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो ये 360 और ये 720, 720 माइनस 2 थीटा इस डायरेक्शन में ऐसे होगा।
ये एंगल टू थीटा, यहाँ पे टू होगा, प्राइमरी डायरेक्ट है, सेकेंडरी डायरेक्ट है, सेकेंडरी रिवर्स सेकेंडरी डायरेक्ट, ठीक है, सेकेंड अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, इससे 360 280 माइनस टू थीटा इस डायरेक्शन में, बस सिंपल यही है तुम्हारा सेकेंडरी डायरेक्ट और सेकेंडरी रिवर्स। अब हमें अगर ये देखना है कि हम फोर्सेस को कैसे, अनबैलेंस फोर्सेस को कैसे निकालते हैं, अगर हम ये देखना है तो कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा सेकेंडरी के लिए जो एफ होता है एम आर मेगा स्क्वायर बाई फोर एन ऐसा करके होता है, ठीक, एम आर मेगा स्क्वायर बाई एम बाई टू है ना, यहाँ पे एम बाई टू क्योंकि हाफ एन होता है, ठीक है, आर बाई फोर एन होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। अब बस जो भी तुम्हारे कॉस थीटा है साइन थीटा ये सब के टर्म है उन सबको इक्वेट कर दो, ठीक है, कॉस थीटा या साइन थीटा के जो जो भी टर्म है उन सारे को इक्वेट कर दो, एक एक डायरेक्शन में ले लो। अब जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा टू थीटा, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा प्लस सबके एक्स कंपोनेंट ले लो कॉस टू थीटा, डायरेक्ट वाले में आ जाओ, इसमें इसमें आ जाओ, तो ये तुम्हारा फिर कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा इसका, ठीक है, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा। अब यहां से देखोगे साइन टू थीटा कैंसिल आउट, साइन टू थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या है बस ये दोनों, तो हमारा जो एफ एक्स क्या आ जाएगा, हमारा जो एफ के डायरेक्शन में जो आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई टू एन, ये सेकेंडरी के लिए है सर, इंटू टू कॉस थीटा, ठीक, ये हमारा एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब जब इसी तरीके से एफ वाई निकालोगे तो एफ वाई कैसे निकल जाएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं, जब एफ वाई निकालोगे एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई टू एन, ठीक है, एफ वाई देखो इसका इस डायरेक्शन में, इसका पहले के मैं टू को देखो तो तुम्हारा साइन टू थीटा, इसका कॉस टू थीटा, ये दोनों इसका हो गया, ये तुम्हारा कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा और माइनस साइन टू थीटा, ठीक। अब ये साइन टू थीटा ये साइन टू थीटा कैंसिल ऑफ हो जाएगा, यहाँ क्या बचा एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई टू एन इंटू माइनस टू कॉस टू थीटा, ठीक, ये हमारा एफ वाई आ जाएगा, ये हमारा एफ वाई आ जाएगा, एफ डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस लग रही है, ठीक है। अब हमें टोटल निकालना है, अब ये सेकेंडरी फोर्सेस की बात हो रही है, आप सिर्फ सेकेंडरी फोर्सेस की बात हो रही है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टोटल फोर्सेस निकालना है, ठीक है, टोटल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ आर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो टू टू यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाई एन का होल स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई एन कॉस टू थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। जब हम इसे निकालेंगे एफ आर कितना हो जाएगा, तो यहां से देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन, ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, अगर ये निगेटिव है निगेटिव बाहर आएगा, पॉजिटिव है दोनों के वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा टू इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन कॉस टू थीटा, ठीक, कॉस टू थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई एन
cos to theta, ये हमारा क्या आ जाएगा f sec ठीक है, ये हमारा नेट, ये हमारा नेट सेकेंडरी फोर्स आ जाएगा। और इसी तरीके से हम प्राइमरी प्राइमरी को भी, प्राइमरी के डायरेक्ट और रिवर्स जो क्रैंक है ठीक है, एफ अनबैलेंस डायरेक्ट मिल जाएगा ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत,